हाँ भाई, आज की वीडियो में हम माइक रिव्यू करेंगे। रिव्यू क्या करने हैं, बस आपको मैं वन बाय वन इनकी प्राइसेस बताऊंगा, उसके फीचर्स बताऊंगा। और ये बोया कंपनी के जो पाकिस्तान में माइक हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, प्राइसेस भी कम है, 2 साल की वारंटी भी मिल जाती है। तो आपको एक अच्छी माइक, अगर एक अच्छा माइक चाहिए तो आप ये बोया कंपनी का खरीद सकते हैं। बस इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसमें फेक भी आते हैं, ओरिजिनल भी आते हैं, फेक भी आते हैं। तो ये थोड़ा एहतियात से आपने लेने हैं। इसके यहाँ पे कोड होता है, इसको स्क्रैच करो नीचे कोड निकलता है, आप उसको वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं फेक है कि ओरिजिनल है, वो आपको लाजमी चेक करना है। एनीवे, वन बाय वन माइक को चेक करते हैं। कुछ माइक का आपको मैं साउंड टेस्ट भी करवा दूंगा कि किस तरह की क्वालिटी है। इसमें कैमरा भी है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन चेक करते हैं। लेट्स गो टू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, आज की वीडियो में वन बाय वन मैं माइक्स बताने लगा हूँ। बोया के माइक्स हैं, 2 साल की वारंटी के साथ आते हैं और ये ओरिजिनल हैं। इसकी जो चेक करने का एक तरीका होता है, इसके ऊपर एक स्टिकर है इनका अपना, उसको अगर आप पानी से कवर करोगे तो उसके ऊपर जो एक लाइट सा बोया लिखा है वो मिट जाता है। तो लाइक ये ओरिजिनल वाली स्टैंप है। तो इस तरह से इसको आप चेक कर सकते हो ये ओरिजिनल है कि फेक है। इसमें फेक बहुत आते हैं, लेकिन फेक सारे मॉडल्स में नहीं आता, जस्ट ये M1 में आता है। एनीवे, सबसे पहले आता है बोया M1, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। 5 मीटर वायर के साथ आता है और दरमियान में इसके अंदर सेल पड़ता है। तो इसकी जो नॉइस रिडक्शन है वो होती नहीं है, बट ये ज़्यादा नॉइस कवर नहीं करता। थोड़ी बहुत खामोशी आसपास कर लें तो इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है। मेरी सारी पुरानी वीडियोस आपने जितनी भी आज तक देखी हैं वो इसी माइक के ऊपर बनी हुई हैं, तो आपको इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा होगा। अभी तो मैं रॉड का यूज़ कर रहा हूँ, ये 60,000 रुपये का माइक है, बट मैं पुरानी वीडियो का कोई एक आधा क्लिप लगा देता हूँ। वो सामने एडिटर बैठा है वो लगा देगा, और किसी भी वीडियो का क्लिप लगा दें जिसमें ये माइक यूज़ हो रहा हो, तार वाला। और अभी जो आप ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हैं वो इन्हीं माइक्स की है जो M1 सीरीज़ है। M1 सिंगल, M1 डबल, M1 आईफोन एंड M1 टाइप सी, ये सारे 4 जो माइक हैं इनकी यही क्वालिटी है। जो आप, मेरा सिस्टम फ़ैन भी लगा हुआ है, मैंने कोई चीज़ बंद नहीं की ताकि आपको क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाए। और इस वाले माइक की क्वालिटी भी सेम होती है, लेकिन थोड़ा सा नॉइस आएगा क्योंकि आप आउटडोर व्लॉग करोगे तो बाहर की आवाज़ें तो आनी आनी है क्योंकि बाहर शोर होता है। तो पुराना माइक वायर वाला यूज़ करते थे, पहले ये 1600 का होता था, बट आज इसकी जो प्राइस है तो मैम 2500 रुपये है। और 2500 रुपये में ये एक ऐसा माइक है जिसकी आपको वायर भी लंबी मिलती है, क्वालिटी भी ठीक है, माइक और फ़ोन और कैमरा दोनों के साथ चल जाता है। तो वन ऑफ द बेस्ट माइक होता है ये इस बजट के अंदर। अगर आप स्टार्टिंग वीडियोज़ कर रहे हैं, बेशक आप व्लॉगर्स हैं, बेशक आप शॉप पे जाके वीडियो बना रहे हैं, बेशक आप प्रोडक्ट वीडियो बना रहे हैं, ये वो वाहिद माइक है जो आपको ज़रूरत होगा। इसके अंदर एक और ऑप्शन है डबल वाला, अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये डबल वाला आता है। इसके अंदर पीछे से एक पिन होती है, आगे से 2 माइक्स होते हैं और इसका मॉडल होता है बोया M1 DM, ठीक है। ये वाला माइक जो है तो मैम 4700 का माइक है और ये भी वारंटी के साथ आता है, ड्यूल माइक के साथ। और इसका फ़ायदा ये है कि आप एक चीज़ में 2 बंदों से साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, लाइक एक माइक आप लगा लें, एक अगला बंदा लगा ले। तो ये डबल माइक आता है और ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ये 4500 से 5000 रुपये में बहुत अच्छा माइक है। उसके बाद इसका ये वाला माइक आता है जो कि डबल M1 है, जिसको शॉटगन माइक कहते हैं, जो माइक कैमरे के ऊपर, लाइक आप अगर अपना व्लॉग बना रहे हैं तो उसके लिए है। तो माइक के ऊपर, कैमरे के ऊपर ये माइक लगा के आप व्लॉग कर सकते हैं। तो ये माइक भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसकी क्वालिटी इनसे थोड़ी बहुत कम ही होती है, लेकिन इस तरह की आपको मिल जाएगी अगर साइड पे शोर बहुत ज़्यादा नहीं है। वो मोस्टली होता ऐसे है, कॉलर माइक कॉलर पे लगा होता है तो आपको इतना ज़्यादा जो है नॉइस का मसला नहीं आता। ये वाला माइक कैमरे के ऊपर लगा होता है तो सम टाइम नॉइस का थोड़ा सा होता है कि पीछे बज आती है, तो उसको आप एडिटिंग में रिमूव कर सकते हैं। बट इस साउंड, इसकी जो आपको, मैं इनको तो मैं 10/10 दूँ तो इसको मैं 9/10 दूँगा, बट स्टिल अगर आप व्लॉगिंग चाहते हैं, तार का झंझट नहीं चाहते तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसकी भी जो प्राइस है वो 4800 है और 4800 में 2 साल की वारंटी भी मिल रही है, तो ये जो है ऑप्शन अच्छा है। अच्छा, ये 2 माइक्स का मैंने आपको बता दिया है, इसकी तरह के सेम 2 माइक्स और भी हैं, अंदर से सेम ही चीज़ है, बस फ़र्क ये है कि एक टाइप सी से कनेक्ट होता है और एक आईफोन के लिए। आईफोन पे बहुत सारे लोगों को इशू आता है कि भाई ये माइक चलता नहीं है, मसला कर रहा है, कन्वर्टर नहीं चल रहा, 5-5 हज़ार रुपये के कन्वर्टर है माइक के लिए स्पेशल। तो उसके मसला हल करने के लिए ये माइक है थोड़ा सा कॉस्टली है, तकरीबन ये जो है 6500 रुपये का माइक है, 6500 रुपये का। बट फ़ायदा ये है कि इसके साथ कन्वर्टर आता है और वो कन्वर्टर की वजह से आपका माइक चलेगा भी, इसका प्रॉपर कन्वर्टर साथ जो कि आईफोन में वर्क करेगा। और अभी जो आप ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हैं वो इन्हीं माइक्स की है जो M1 सीरीज़ है। तो ये जो 5 माइक पड़े हुए हैं इनकी आपको एक्जैक्टली यही क्वालिटी मिलेगी। उसी के साथ साथ एक और चीज़ बता दूँ, अच्छा ये दोनों माइक की जो प्राइस है 6500, एक टाइप सी वाला है और एक आईफोन वाला है। तो ये आप बाय कर सकते हैं, ये स्टॉक हैं और मैं अपनी वेबसाइट पर भी अपडेट कर दूंगा। www.daducharger.com पे ये माइक्स आपको सारे मिल जाएंगे। उसके बाद ये माइक आता है वायरलेस, बोया का वायरलेस माइक है, ये रिसीवर है एंड इसका ट्रांसमीटर है। तो ये आप अक्सर देखा होगा जो शो होते हैं, जैसे बड़े बड़े टीवी शोज़ है तो उन्होंने पीछे एक डिवाइस लगाई होती है, तो वो इसी तरह का माइक होता है। मैं आपको ये वाला तो ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये वो माइक है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत अच्छी रेंज होती है। इसमें एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है और इसके साथ दो मज़ीद अटैच हो जाते हैं जो ट्रांसमीटर हैं। ट्रांसमीटर बेसिकली माइक है। इस माइक की क्वालिटी भी इसी तरह की होती है जो आप मेरी सुन रहे हो, क्योंकि आगे माइक यही है, पीछे जो सिस्टम है ट्रांसमिशन का वो अलग से ये चार्ज हो जाता है। ये बेसिकली आपका लगेगा कैमरे के साथ और ये इसका जो है वो रिसीवर है जो कैमरे के साथ लगता है। ये ट्रांसमीटर है जिसके साथ माइक है। आप इसके साथ माइक अटैच देख लें, एग्जैक्टली सेम माइक है जो ये लगाया हुआ है मैंने। फ़र्क ये कि तार वाला ये वायरलेस है और वायरलेस माइक की जो प्राइस है वो 30,000 रुपये है। ये इसका है ट्रांसमीटर जो माइक जिसके साथ अटैच होता है और आगे रिसीवर होता है। ठीक हो गया। तो इसमें लाइन इन भी है, लाइन आउट भी है, पावर का बटन है, डेसिबल एडजस्ट हो जाता है, चार्ज होता है, काफ़ी ज़्यादा सेटिंग है। ये बहुत सारे व्लॉगर्स और जो हैं शूटिंग वाले जो बेसिकली क्या कह लें मूवीज़ छोटी मोटी बनती हैं वहाँ पे ये माइक्स यूज़ होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये शोज़ में यूज़ होते हैं, इंटरव्यूज़ और शोज़ में यूज़ होते हैं, इससे ऊपर कम यूज़ होते हैं। एनीवे ये आपको मैं बता दूँ कि ये जो पाँच माइक और ये छठा माइक, इनकी क्वालिटी एग्जैक्टली सेम जो आप मेरी सुन रहे हैं। उसके बाद मैं दोबारा अपना रॉड का माइक लगा लूँगा और उसके ऊपर, बल्कि रॉड का माइक नहीं लगाते, अब ये 3 माइक रह गए हैं। जिस माइक की बात करेंगे उसी की आवाज़ में करेंगे, लाइक आपको क्वालिटी का भी पता लग जाए और आपको माइक का भी पता लग जाए। अब ये जो 3 माइक हैं, एक है टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, एक माइक है गेमिंग के लिए और एक माइक विद कैमरा है। इसको आप व्लॉगिंग किट बोलें या कुछ भी बोल लें, इसकी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है इस कैमरे का। लाइक 22-25 हज़ार रुपये में आपको एक ऐसा कैमरा भी मिल रहा है जो वेबकैम से तो बहुत ऊपर है। लाइक लॉजिटेक से भी अच्छी क्वालिटी है इसकी, वो आपको भी चेक करवाते हैं, उसी की वीडियो भी चलाएँगे और उसी में साथ उसकी ऑडियो भी चलाएँगे। हाँ तो भाई अभी जो हमने माइक लगाया है ये बेसिकली बोया का माइक है BYC M3। अब इसका सीन ये होता है कि अगर इसकी मैं थोड़ा सा साउंड, इसके आगे ना गेन कंट्रोल है कि ये कितना रिकॉर्ड करे। तो अगर अभी मैंने इसको मिड में रखा हुआ है तो ये एक बेस्ट क्वालिटी होती है, क्योंकि आप जितना मुँह करीब रखोगे उतना बैकग्राउंड नॉइस कम आएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर मैंने इसको दूर रख के यूज़ करना है तो मैं इसका गेन बढ़ा दूंगा, तो आप देखें अब आवाज़ भी ऊंची आ रही है बट बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो अगर दूर से मैंने ऐसे यूज़ करना है तो मैं इस तरह यूज़ करके आवाज़ को थोड़ा एडिट भी कर सकता हूँ। और अगर आप गेमिंग में यूज़ कर रहे हैं तो गेन थोड़ा कम करके मुंह के करीब ले आएंगे तो क्वालिटी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। मैं दूर करीब करके आपको टेस्ट इसलिए करा रहा हूँ, ये माइक किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। वॉइस ओवर में मुंह करीब करें, इसका गेन थोड़ा कम कर दें, लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ा दूर करके गेन थोड़ा ज़्यादा कर दें, तो ये सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। बाकी माइक की जो जनरल स्पेक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 75 to 110 डेसिबल जो इसका नॉइस रेशियो है 75 डेसिबल है, जो कि एक नॉर्मल अच्छा है, लाइक ज़्यादा साउंड ये नहीं खींचेगा। और कार्डोइड माइक है जो बेसिकली डबल यूनिडायरेक्शनल होता है, सिंगल साइड, ये डबल साइड रिकॉर्ड करता है, लाइक पीछे से भी रिकॉर्ड करेगा लेकिन थोड़ी सी कम करेगा और फ्रंट से भी रिकॉर्ड करेगा, तो 2 बंदे भी इसमें बात कर सकते हैं। मॉडल है इसका BYC M3 और इसकी जो प्राइस है वो इस टाइम 11,500 रुपये है। और 11,500 में बहुत अच्छा माइक अपनी क्वालिटी के हिसाब से, वारंटी के हिसाब से, बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, ईच एंड एवरीथिंग माइक परफेक्ट माइक है। अगर आप गेमर हैं, छोटे मोटे वॉइस ओवर करते हैं, स्ट्रीमर है और आपका बजट 12-13 हज़ार है तो ये बेस्ट माइक है जो आप बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए मेरी वेबसाइट daducharger.com पर विजिट करें या फिर व्हाट्सएप करें 0311522668 या कॉल करें 0516122732। तो ये माइक भी अवेलेबल है, ये चीज़ है। ठीक है, अब इसको मैं उतारता हूँ और दूसरा माइक अटैच करता हूँ, उसके साउंड के साथ ही आपको बताएंगे क्या क्वालिटी है, कैसा माइक है, क्या प्राइस है। उसके बाद ये वाला माइक आ जाता है जो मेरे सामने पड़ा हुआ है, टावर की तरह का माइक है, बेसिकली ये टेबल माइक कहते हैं इसको। और ये भी कंडेंसर, इसकी थोड़ी सी स्पेक्स मैं आपको बता देता हूँ। एडजस्टेबल एंगल है इसका, ये एंगल एडजस्ट हो जाता है ऊपर से। ठीक है, आप इसको मतलब अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं अपने बिल्कुल मुंह की तरफ मोड़ के एंगल रखूँगा तो ये अच्छा रिकॉर्ड करेगा। अभी इसका कोई गेन कंट्रोल नहीं है, इसमें म्यूट बटन, आप म्यूट कर सकते हो या इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। मेटल का है पूरा, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और इन सब की जो कनेक्टिविटी है Type C से है, तो Type C to C करके आप मोबाइल पर भी यूज़ कर सकते हो। नॉइस कैंसलेशन इसके अंदर है प्रॉपर, सेलेक्टेबल नॉइस कैंसलेशन है और उसके साथ साथ इसमें कोई बैटरी नहीं चाहिए होती है, डायरेक्ट जो है पावर करके आप इसको चला सकते हो। बाकी ये जो माइक है कार्डियोइड है, लाइक वो कंडेंसर जो माइक, कंडेंस्ड माइक होते हैं उसी तरह की क्वालिटी होती है इन माइक्स की। बेस्ट क्वालिटी के लिए आपको अगर कम प्राइस में माइक चाहिए तो यही हैं। क्वालिटी आप सुन रहे हैं किस तरह की है, ठीक है। ये उसी माहौल में रिकॉर्ड हो रहा है जिस माहौल में मैं रॉड से पहले रिकॉर्डिंग कर रहा था या बाकी किसी और माइक से कर रहा था, ताकि आपको अंदाज़ा हो माइक की क्वालिटी ऐसी है। स्ट्रीमिंग में यूज़ हो जाएगा, लेकिन ये पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता तो स्ट्रीमिंग के लिए वो दूसरा लोग लेते हैं जो पहले दिखाया है। बाकी ये बेस्ट फॉर द वीडियो कॉल के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, टेबल कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट माइक है। और इसकी जो प्राइस है वो 7,000 रुपये है। 7,000 रुपये में बिल्ड क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी, 2 साल वारंटी, ईच एंड एवरीथिंग मतलब बेस्ट है। तो ये भी आप बाय कर सकते हैं। इसके बाद मैं कनेक्ट करूँगा फुल, ये वाला माइक है, ये बेसिकली कैमरा भी है और माइक भी है। अब कैमरा भी वही यूज़ करेंगे, माइक भी वही यूज़ करेंगे, एंड वहाँ पे करते हैं। हाँ तो भाई, अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं और जो वीडियो देख रहे हैं, वैसे तो आप शायद अभी ये वाली वीडियो देख रहे हो, और ये मैं इस माइक और कैमरा को टेस्ट कर रहा हूँ। तो इसका जो गेन है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, लाइक ये ज़्यादा आवाज़ खींचे। अभी मैंने मिड में रखा हुआ था कि ज़्यादा शोर ना आए, पंखा भी चल रहा है। और ये जो माइक है कार्डियोइड माइक ही है इसके अंदर भी, ठीक है। और इसको म्यूट भी कर सकते हो। और इसके ना आगे लाइट है, इन केस अगर ये लाइट ना होती जो लगी हुई है, जो अभी देख रहे हो, उस लाइट को अगर मैं ऑफ करता हूँ तो ये यहाँ पे इसके पीछे लाइट है। इसमें 3 स्टेप्स हैं। अब ये फुल हाई जो है लाइट जल रही है, तो आप लाइट के बगैर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। उसके बाद जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अभी ये स्क्रीन में बड़ी करता हूँ कैमरे वाली इसकी, तो इसकी क्वालिटी जो है मेरे ख्याल से एज अ वेबकैम या फिर एज अ माइक भी है, वेबकैम भी है, तो बेस्ट क्वालिटी है। और इसकी प्राइस है 24,500, 24,500 की प्राइस है। और इतनी प्राइस के अंदर आपको माइक भी मिल रहा है, एक 1080p कैमरा भी मिल रहा है, उसके अंदर लाइट भी मिल रही है। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, जिस तरह मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा कोई सेटअप है आपका, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसको मेरे कैमरे से कंपेयर ना करना भाई, मेरा कैमरा जो है वो 2-2.5 लाख रुपये का है, ये कैमरा 25,000 रुपये का है, ये वेबकैम की जगह आता है। बाकी अगर इसको एज अ व्लॉगिंग यूज़ करना चाहते हो, यूँ करके जैसे फर्स्ट करो मैं व्लॉग कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये देखें आज हमने माइक अनबॉक्स किए हैं, ये वाला माइक कितने का, ये वाला माइक कितने का, ATC, जैसे अभी हमने ये वाला माइक भी टेस्ट किया था, ठीक है। प्रोडक्ट भी सही आ रही है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि इसकी क्वालिटी माइक आप कैमरे की, अगर मेरे कैमरे को देख के इसको देखेंगे आपको ठीक नहीं लगेगी, लेकिन कोई नॉर्मल वेबकैम देख के इसको देखें तो आपको क्वालिटी बिल्कुल ठीक लगेगी। और मेरे हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन है विद माइक। और माइक भी वो नॉर्मल माइक नहीं है, कार्डियोइड माइक है, कंडेंस माइक है इसके अंदर। अगर ये कुछ भी बाय करना है तो मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल है। हाँ तो भाई, ये सारे माइक मैंने टेस्ट करके आपको बता दिए हैं। फाइनली अगर कोई भी माइक परचेज करना है तो वेबसाइट daducharger.com पे विजिट करें। माइक्रोफोन की कैटेगरी में सारे माइक आपको नजर आ जाएंगे। व्हाट्सएप करें 0311522682 या कॉल करें 0516122732, तो आप ये माइक खरीद सकते हैं हमसे। एनीवे, आज की वीडियो काफ़ी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके डाटा, बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। Whatever. Okay, thank you.